चलो साइड बैठो। क्या आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी लेक्चरर को यहां पर पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। साथियों आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पर आरोपी लेक्चरर को आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के नेशनल कॉलेज के अंदर। साथियों यहाँ पर मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर कुछ युवा साथी एकजुट हो चुके हैं और किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर पहले वहाँ से ही आए ना, पहले भी यही बात हुई है सर। नहीं हम आपके आराम से बात सुन रहे हैं। मामला ये जी, ये टीचर है, ये तो इसको सस्पेंड करना चाहिए जी। जो इसने गलत हरकत करी है जी, उसके लिए इसको पुलिस एक्शन को भी जी करना चाहिए। जो एक लड़की है जी, स्टूडेंट है, उसके साथ अगर कॉलेज में सेफ नहीं है तो सेफ कहाँ है। पहले भी जिन्होंने आईडी कार्ड लड़कियों लड़कों के पकड़े हैं, रेस्ट गार्ड करे हैं बिना बात के, जब नहीं हम इकट्ठे हो गए, जब ये कभी प्रिंसिपल बाहर नहीं आया, आज हम इकट्ठे हो गए आए हैं, तो ये सारे जी देखो मिनटों मिनट बाहर आ रहे हैं। कोई भी बात है जी अगर इनकी है, ये कोई बात हमारी मानते नहीं, कोई सुनवाई नहीं करते, एक बार कह के भेज देते हैं जी, बाद में बस वो ही मामला। बच्चे लड़ते मिनट में चल चले ले पूरी कहानी क्या सर। मेरी बात सुनो, लड़की छेड़ी है सर टीचर ने, एक बारी का मामला नहीं सर। जहाँ से ट्रांसफर होके आए हैं वो आपसे भी इसी कारण बस ट्रांसफर होके आए हैं कि वहाँ से लड़की छेड़ी गई थी, तो हम चाहते हैं वहाँ उन सर पर बाहर निकाला जाए। सर मेरी बात सुनो सर, अगर कोई स्टूडेंट होता तो रेस्टिगेट कर दिया जाता, आई कार्ड घोष लिए जाते हैं। कल भी 306 का वो लड़का था, आई कार्ड घोष लिया, लड़की को लड़की को जलील किया, जलील किया लड़कियों को, उसकी हर पांच छह लड़कियों का है सर वीडियो उनकी, उसकी सर वो वाइफ थी उस लड़के की, इन्होंने धक्के से उनकी थी आई कार्ड पकड़ा, और जो इतने लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए उनके सामने लड़की की भी इज्जत उतर दी है जी। हमने सर को कहा जो भी करना है आप आई कार्ड ले जाओ, पर इनको गलत ना बोलो सर। जब भी कोई भी बात होती है ना जी, यही इनका काम है जी, कोई बात नहीं सुनते, कोई कुछ नहीं है। लड़की रोने लगी सर, लड़की रोने लगी, लड़की के आंसू नहीं देखे सर इनको, अभी टीचर के आंसू दिख रहे हैं, आंसू दिख के इन्होंने अंदर रोक लिया और बच्चे को ये चौकी में भेज देते हैं, दो मिनट में पर्चे दर्ज करा देते हैं। ये ना, ये इंसाफ हमें चाहिए और जितेंद्र को बाहर निकाले। हम हमारे में से किसी की नहीं मरती, हम सारे एक दूसरे के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम अब इकट्ठा हुए किस लिए हुए हैं, हमारी गलत है, बहन है, सिर्फ इंसाफ के लिए। हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ जी, रोडो पे कैसे सेफ होगी, जो घर में सेफ नहीं है। बाहर बुलाओ सर, उन सर को बाहर आएंगे तब इंसाफ होगा, वरना इंसाफ नहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिरसा नेशनल कॉलेज में भारी हंगामा हो जाता है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला, बड़ा संगीन मामला आता है। चार से पांच लड़कियों को किस तरीके से यहाँ पर छेड़ा जाता है, और उसके बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है।
पूरी कहानी क्या है जी बताएं। देखिए पूरी कहानी तफसील से बताऊं मैं शॉर्ट में अगर आपको कहूं तो मेरे ख्याल से उसमें सब क्लियर हो जाएगा। हाँ जी शॉर्ट। हमारे पास एक बच्ची की कंप्लेंट आई और उस बच्ची ने यह बताया कि एक टीचर है जिसने उनको कुछ लालच देने की इंड्यूस करने की कोशिश की। पहले उसको ये कहा कि मैं तेरे को नौकरी लगवा दूंगा, फिर उसको कुछ ये बातें कही कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी में चलेंगे, छुट्टी वाले दिन तू आ जाना घर पे, झूठ बोल के आ जाना। बच्ची कहती कहती सर मैंने मेरे घर वालों को बता दिया था कि ऐसे ऐसी छुट्टी है मैं नहीं आऊँगी। कुछ ये भी कहने की कोशिश की गई कि भाई आप हमारे को भाई अकेले में मिल लो, यहाँ पे कैमरे हैं, मोबाइल पे बात करने की जगह व्हाट्सएप पे बात करो, कुछ इस तरह की बातें थी। उसको लालच देने की कोशिश की और वो बच्ची उसकी बात में नहीं आई। उसने खुल के हमारे को जब बताई तो वो इमीजिएटली हमने कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के पास भी मैटर रेफर कर दिया। उन्होंने इमीजिएटली उसको कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी पहला वर्किंग डे था उसी पहले वर्किंग डे पे उनकी उसको बुलाया, उनकी हरासमेंट कमेटी ने मीटिंग में उससे बातचीत की तो वो अपने एलिगेशन से तो नकार गया और ये लिख के दे गया कि जी मेरे खिलाफ़ साजिश है और इसकी निष्पक्ष जाँच करवाई जाए। वो तो ये लिख के दे गया। इन द मीन टाइम दो बच्चियाँ और सामने आती हैं जिन्होंने कहा कि हमको भी इसी तरीके का इसने लालच देने की कोशिश की, उनकी भी रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास आई है। मोटे तौर पर ऐसी सी ही बातें हैं कि नौकरी लगवाने का लालच या उनको गाड़ी में घुमाने का लालच या उनको ये कि मैं तुम्हारे को नौकरी पे कोई बच्चा है तो उसको मैं तुमको वहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये भी सुनने में आ रहे उनको होटल में बुलाया गया अभी आप घर से झूठ बोल कर। ये कंप्लेंट की एग्जैक्ट मैंने पूरी की पूरी लैंग्वेज पढ़ी नहीं है बट ऐसा एलिगेशन शायद अगर जो उसमें हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोटे तौर पर ये जरूर था कि उनको हर तरीके से लालच देने की कोशिश की गई। गरीब घर की बच्चियाँ होती हैं कई बार और कोशिश ये की गई और एक ही मोडस ऑपरेंडी रहा हर बच्ची का जो अब तक बात सामने आई है। करीब करीब इसी तरीके से बात आई है कि उसको लालच दिया गया नौकरी का। आपके संज्ञान में कब ऐसा रिपोर्ट? मेरे संज्ञान में तो ये जब पहली बार वो बच्ची रिपोर्ट देके गई ये शायद 24 तारीख की बात है। अब तक कितनी लड़कियों ने अपनी सब की बात है ये टीचर्स कहाँ है सर? वो टीचर यहाँ पर आए महेंद्रगढ़ से। कॉलेज में यहाँ नहीं, यहाँ पे तो 27 फरवरी को अभी 23 में आए हैं बट ये वहाँ पर इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई इसी तरह की चल रही है और उसी के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे इनको ट्रांसफर नहीं किया गया है, टेम्परेरी शिफ्टिंग जो होती है वो यहाँ की गई है। कितनी लड़कियों ने शिकायत दी आपको? एक पहले आई फिर दो आई अभी तक तीन आई फिर एक और आई नहीं एक अभी भी कोई बता रहे हैं कि शायद आज भी एक और लड़की ने दी है। टोटल 4 लड़कियाँ तो 4 लड़कियाँ तो पक्का है। तो अलग अलग टाइम पर उनसे बातचीत करके उनको फुसलाने की कोशिश की गई है और 2200 बच्चियाँ थी जो कि हौसला करके सामने आई। कॉलेज की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? कॉलेज की तरफ से देखो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास ये मसला चल ही रहा है। उन्होंने अपनी इंटरव्यू रिपोर्ट ये दी है और इस इंटरव्यू रिपोर्ट को भी मैं पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर अभी तो पूरा मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं आपसे बातचीत में लग गया हूँ बट इसके बेस के ऊपर एक बात जरूर बनती है कि भाई इस मसले को हमको पुलिस को भी जरूर भेजना चाहिए, वो मैं भेज रहा हूँ। और दूसरा ये था कि हम डिपार्टमेंट को हमारे को जो लेटर लिखना है पूरी डिटेल के साथ तो वो मैं हमारे डायरेक्टर साहब को डीओ लेटर लिखूँगा क्योंकि ऐसे टीचर का किसी भी ऐसे कॉलेज में मेरी नज़र में नौकरी करना नहीं बनता जहाँ पे कम से कम लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो मेरी ये सिफारिश डिपार्टमेंट को जरूर रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम जब तक उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो जाती या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो किसी ऐसे कॉलेज में भेजा जाए जहाँ पे लड़कियाँ तो ना हो, लड़कियों के भविष्य को तो हम कभी भी दाग। यहाँ पर एक लेक्चरर द्वारा किस तरीके से लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 लड़कियों ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन लड़कियों के आरोप है कि हमें लालच दिया गया और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ और अनेक प्रकार के हमें लालच देने की कोशिश की और हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की। उसके बाद में यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, यहाँ पर नेशनल कॉलेज में हंगामा हो जाता है, आसपास के यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं वो इकट्ठी हो जाती हैं और इनका आरोप है कि अगर कॉलेज में अगर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार कहाँ पर सुरक्षित रह सकती है, सबसे बड़ा सवाल। हाँ जी सुमित। हाँ जी नमस्कार जी अत्री साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। हमें सूचना मिली थी जैसे हमारा छात्र संगठन काम कर रहा है छात्र छात्राओं के लिए लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में और बहन बेटियों के लिए, तो सबसे पहले अगर कोई समस्या होती तो हम खड़े होते हैं छात्रों के लिए। हमारे नॉलेज में मामला है कि ऐसे ऐसे नेशनल कॉलेज में ये चल रहा है तो उसकी जानकारी मिलने के बाद हम यहाँ आए हैं और अभी जो है अंदर पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, प्रोफेसर भी हैं और शायद वो लड़कियाँ भी हैं। तो अभी तक मामले की पूरी तय की तो जानकारी नहीं है भाई, अंदर क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो
पुलिस ही इसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी छात्र छात्रा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहन बेटी पढ़ने आती है तो उसकी जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की और यहाँ प्रोफेसर की है। ये कहना चाहते हैं जी, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी, भाई ये ना हो भी अभी इसको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, बिल्कुल जी सजा चाहिए जी। सस्पेंड किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम आजाद है, बीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ मैं। तो ये सर ने जो है ना जितेंद्र है, इसका नाम जितेंद्र है, तो इन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से लड़कियों को छेड़छाड़ करने का आरोप अब आगे मुद्दा आ गया इनका। हाँ जी, और हम लड़कियाँ भी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम? शिक्षा चौधरी। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा मैटर क्या है, अभी टीचर ने 3-4 लड़कियों को छेड़ दिया है, जिसकी वजह से ये हंगामा हो रहा है। अब कॉलेज प्रशासन का ये कहना है, अभी हम देखें, हमारा जो पुलिस प्रशासन है हमारी तरफ से कार्रवाई है, हमारी जो जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी स्टूडेंट वेलफेयर, उनकी तरफ से यही एक्शन है भी, अगर लड़कियाँ सर्टिफिकेशन भी जो भी कॉलेज वाला डिसीजन लेते हैं उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, तो हम आगे एक्शन लेंगे। बाकी ये बार हमने कॉलेज वाले प्रशासन की ओर प्रसिद्ध दे दिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सुरेंद्र बेनीवाल, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से एबीवीपी अध्यक्ष। जैसा कि ये 7-8 लड़कियों ने एक शिकायत दर्ज करवाई है प्रिंसिपल के समक्ष, तो उस हमारी विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्रों के हित में काम करता है। और जैसा कि नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और यहाँ पे कॉलेज लेवल पे अगर ये टीचर वाली बात आती है कि उन्हें छात्राओं के साथ छेड़खानी की है और छात्राओं ने शिकायत दर्ज करवाई है, तो हमारा प्रिंसिपल महोदय से यही निवेदन है कि टीचर को, दोषी टीचर को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए और उनको यहीं से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाना चाहिए। तो मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया है तो ये किसी भी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद का यह स्पष्ट मत है कि दोषी को कड़ी कार्रवाई से सजा मिलनी चाहिए। साथियों, मामला बड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि सवाल बेटियों की सुरक्षा का हो जाता है, और इसके साथ साथ जब बेटियां कॉलेज परिसर में ही सुरक्षित नहीं है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। इसके साथ साथ अब देखते हैं सिरसा प्रशासन का अब क्या रुख रहेगा, आरोपी जो लेक्चरर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तुरंत प्रभाव से क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। साथियों नमस्कार, कमलदीप शर्मा, इंसो अध्यक्ष, जीएनसी महाविद्यालय। अभी ये मामला आ रहा है जी, छात्राओं द्वारा एक जितेंद्र नाम के साहब अध्यापक हैं, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, अभी उन्होंने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करी है, अननेसेसरी मैसेज किए गए हैं उन्हें, तो पूरे छात्राओं की तरफ से, और यह एक संगठन का नाम लेना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सारे संगठन एकजुट होकर मांग ये करते हैं, इसके खिलाफ प्रशासन भी कानूनी तौर पे भी कार्रवाई की जाए और कॉलेज प्रशासन है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए, और वरना छात्र संगठन सारे इकट्ठा होकर इसके खिलाफ बनता प्रदर्शन करेंगे, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी यहीं पर बैठे रहेंगे जी, चाहे 2 दिन हो जाए।